अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हम कोई नई फिश लाते हैं तो उसको हम ऐड कैसे करते हैं, नॉर्मली उसको पैकेट समेत हम इसमें डाल देते हैं, जैसे कि अभी हमने इसमें पैरेट फिश डाल रखी है, 15 मिनट या आधे घंटा हम उसको रखते हैं और उसके बाद उसको उसमें सीधे ऐड कर देते हैं, और नतीजा क्या होता है, वो फिश अगले दिन तक 50% चांस है हो सकता बच जाए, और ज़्यादातर ये होता है कि वो फिश या तो बीमार हो जाती है या फिर मर जाती है। तो जब हमने सब सही करा, हम सही फिश देख के भी लाए और हमने सारे नियम निभाए, उसके बाद भी ये क्यों इसमें दिक्कत होती है, तो आज हम इसी के बारे में बताएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है और ये हमें एक्वेरियम शॉप वाले नहीं बताते कि भाई ऐसी क्या आप गलती कर रहे हो जिसकी वजह से, अगर वो बता देंगे तो फिर हो सकता है कि फिश जल्दी से मरे ना, और अगर मरेगी नहीं तो फिर ज़्यादा कोई ख़रीदेगा क्यों। तो आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसके लिए एक लाइक कर दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे ऐसी और वीडियो लाते रहने के लिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आधे घंटा तो इसको आपको इसमें रखना है, हम रख चुके हैं तो टेम्परेचर तो इक्वल इसका हो ही चुका है। उसके बाद आप एक अलग बर्तन में लोगे, जैसे कि कोई छोटी बाल्टी, और उसमें आप इस पैकेट समेत इसको रखोगे, और फिर कुछ इस तरह से आप एक पाइप लोगे ऑक्सीजन का। अब ये पाइप ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें पानी कम कम ही आएगा, और आप धीरे धीरे जो उस शॉप का पानी है उसी में ही उस पानी को डालोगे। अब ऐसा क्यों, अब देखिए टेम्परेचर तो इक्वल हो गया पर इसका जो बाकी और मापदंड है, जैसे कि इसके पीएच लेवल, या हो सकता है कि वो खारा हो और आप नॉर्मली नल का पानी जो है वो यूज़ कर रहे हो, तो वो सब अलग होता है। अब जैसे कि मान लीजिए आप एक गर्मी में किसी मेट्रो ट्रेन में जा रहे हैं, अब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो अक्सर हमारे यहाँ तो होता ही है कि हम एसी में जाते हैं, और मेट्रो जहाँ ज़मीन के नीचे चलती है वहाँ तो ये दिक्कत होती नहीं, पर जहाँ फ्लोर के ऊपर होती है वहाँ एकदम से दरवाज़ा खुलता है और लू के थपेड़े सीधे मुँह पे और सर्द गर्म हो जाती है। तो आप में से बताइएगा कि किसके साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसा ही इनके साथ भी पानी का जो मापदंड है वो बिल्कुल अलग होता है, और वो एकदम से चेंज होने की वजह से वो स्ट्रेस में आ जाती है। और ये भी होता है कि जब हम इसको लाते हैं तो उधर से आप देखते हो कि वो एक पैकेट में हिलते हिलाते आती है, और उस शॉप में भी ऐसे ही आई होगी किसी ट्रेन में कार में ऐसे ट्रैवल करते हुए। तो सोचो अगर आपको कोई एक बॉक्स में पकड़ के हिलाता रहे तो आपकी क्या हालत होगी, तो वही हालत इनकी भी होती है। तो पहले इसमें इनका स्ट्रेस दूर करना ज़रूरी है। उसके लिए जब आप इसमें ये जो अभी हमने आपको बताया ड्रिप एक्लिमेट, ये कहते हैं अगर मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ, तो उसके बाद ये एक दवाई है हम इसको यूज़ करते हैं। आप इसकी जगह अगर आपको कोई और भी पता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रेस हील है, इससे जो फिश की जो स्ट्रेस होती है वो इसमें दूर हो जाती है, और दूसरा इससे जो पानी में और एक्स्ट्रा क्लोरीन हो जाता है वो चाहे आपके टैंक के पानी में हो या पहले जो पानी है उसमें भी, तो ये उसमें से भी हटा देता है और ये पानी को साफ भी कर देता है। तो इसमें काफ़ी सारी क्वालिटी है, अगर ये आपको चाहिए तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें और क्या क्या खूबी है वो आप इधर से वीडियो को पॉज करके इधर से देख भी सकते हैं। एक मिनट, ये इधर से, तो अगर आपके पानी में क्लोरीन है तो आप क्लोरीन हटाने के लिए और कोई क्लोरीन रिमूवर डालने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ इसको भी आप डाल दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो आप देखिए, तो इसको हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है और ये हमने आज एक पैरेट फिश ली है। एक बात का आप ध्यान रखिए, जैसे हमने ऑक्सकर लिए तो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही, आप अगर आपके पास कोई एग्रेसिव फिश है तो उसके साइज़ के अनुसार ही आप दूसरी फिश ऐड करें, उससे ज़्यादा छोटी ना हो, 19-20 चलता है पर ज़्यादा छोटी या बड़ी ना हो, नहीं तो वो आपस में फाइट कर सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखना।
अब हम इसमें इस पैकेट को खोलेंगे और इसमें उस एक्वेरियम का जो पानी है जिसमें हमें इसको ऐड करना है उसमें से पानी लेके इसी में ऐड करेंगे, वो भी धीरे धीरे। और कैसे करते हैं वो अब आप देख सकते हैं। तो इसमें अभी हम कुछ बूंदे ये स्ट्रेस हिल की डालेंगे और फिर इसमें पानी ऐड करते हैं। तो इस तरह से आप इसमें से पानी लेके इसमें ऐड करोगे तो इसमें दोनों पानी का जो पीएच लेवल है वो एकदम समान हो जाएगा। हम इसमें बस ये आधा तो इसमें पानी जो है उतना ही पानी इसमें और ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर और इस पैकेट में ऐसे ही रहने देंगे, इसको खोल के इसमें रहने देंगे। पर इसका पानी हमें अपने एक्वेरियम में ऐड नहीं करना है क्योंकि हो सकता है उसमें कोई जम्स वगैरह हो। तो अभी थोड़े टाइम के हम इसमें और रहने देते जब तक स्ट्रेस हिल जो है अपना काम करेगी और इस फिश पे जो स्ट्रेस होगी वो इसमें से हट जाएगी। तो हम थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। अब इसमें काफ़ी देर हो चुकी है और अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के साथ आधा ढक्कन स्ट्रेस सील्स हम अपने एक्वेरियम में भी डालेंगे। और एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखें कि आपको 24 घंटे तक इनको कुछ भी खाना नहीं देना है, क्योंकि बहुत से गलती करते हैं कि भाई हमारी और फिश का खाने का टाइम हो चुका है तो हम उनको तो खाना दें, पर उनके साथ ये भी खाएगी और अभी इनका खाने सही नहीं है। हो सकता है ये खाना खा के आई हो या कुछ भी और प्रॉब्लम हो सकती है। तो 24 घंटे तक आप इसको ऐसे ही रहने दें ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ है वो साफ़ हो जाए और उसके बाद ये खाना खाए। ठीक, तो अब हम इसको ऐड करते हैं। तो दोस्तों, हमें अपनी पैरेट फिश को ऐड करे हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अब इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, पर उससे पहले अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए जिससे हमें पता चले कि हमारी वीडियो आपके काम आ रही है या नहीं। अब देखिए, इसमें जब भी आपको जो भी एक्वेरियम है वो किसी भी साइज़ का क्यों ना हो उसमें आप हाइडिंग प्लेस ज़रूर ऐड कीजिए। ये बहुत काम देता है ख़ास तौर पर नई फिश को, क्योंकि जब नई फिश आती है तो वो थोड़ी डरी हुई होती है। अब स्ट्रेस रिलीफ आप इसमें डाल देते हो तो उसको काफ़ी स्ट्रेस उसकी कम हो जाती है, पर फिर भी ख़ास तौर पे सिकलेट जाति के जो फिश होती है इनको हाइडिंग प्लेस बहुत ही पसंद होते हैं। और हमने कल जब इसमें ऐड करा तो उसके बाद हमने इसमें थोड़ी डेकोरेशन भी चेंज करी है। आप वीडियो के शुरू में और अब में फ़र्क देख सकते हैं। बताइए कि सजावट आपको कैसी लगी। और दूसरा, आप इसमें कभी भी पानी चेंज करोगे या इसमें कोई फिश ऐड आप इसमें स्ट्रेस रिलीफ ज़रूर ऐड कीजिए। वो आप कोई भी अच्छी कंपनी का ये उपयोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने दिखाया वही। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं खुद ही इसका उपयोग करता हूँ और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मैंने देखा, तभी मैं आपको इसका रिकमेंड कर रहा हूँ। आप इसमें पानी की क्वालिटी देख सकते हैं कि इसमें पानी कितना साफ़ है। मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी कि पानी क्यों साफ़ नहीं हो रहा, जबकि मैं फ़िल्ट्रेशन अच्छा रखता हूँ, पानी बीच बीच में चेंज भी करता हूँ, पर फिर भी मुझे दिक्कत आती थी। तो इससे मुझे बहुत सहायता मिली, एक तो फिश को ऐड करने में और दूसरा पानी को साफ़ रखने में। अब पानी कैसे चेंज करते हैं और ख़ास तौर पर सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है पानी चेंज करते समय, क्योंकि अगर उसमें कोई गलती होगी तो आपकी फ्रिज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो आप बताइए कि आपको पानी चेंज पे करने से संबंधित वीडियो चाहिए तो हम अगली बार उसके लिए भी आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप बिना किसी दिक्कत के अपनी नई फिश ऐड कैसे करें। हमें आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली बार ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं। वैसे हमारा बेसिक टेक्निकल चैनल है, इसमें हम
कंप्यूटर और बाकी टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा दें, पर क्योंकि मुझे पेट्स का भी शौक़ है तो जो उनके बारे में मुझे आता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आप बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन काम आई या नहीं, और आप अगली बार किस विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा।